भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर के बॉर्डर गौरी फंटा पर नेपाल द्वारा भारतीय सब्जी और फलों पर रोक लगाने से हड़कंप मच गया है। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर का है, जहां पर नेपाल के कस्टम अधिकारियों ने भारतीय सब्जी और फलों पर केमिकल मिला होने का आरोप लगाकर उनको बंद कर दिया। नेपाल कस्टम का कहना है कि भारतीय सब्जी को काठमांडू की लैब में टेस्ट किया गया, जिसमें 66% केमिकल पाया गया, जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है, जिसके चलते भारतीय सब्जी पर रोक लगा दी है और बिना लैब टेस्ट के फलों और सब्जियों को नेपाल में एंट्री नहीं होगी। जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही हम भारतीय सब्जी को नेपाल में प्रवेश करने दिया जाएगा। रोक लगाने के बाद जब इसमें जो तरकारी यहाँ से काठमांडू गया है उसका परीक्षण करने के बाद उसमें बहुत जहर विषादी उसमें मिला है, इसी जगह पर गवर्नमेंट ने इसको परीक्षण करके बाद उसका पैठारी करने के लिए उसमें जो निर्देशन दिया है हमी लोग को। वहीं नेपाल द्वारा भारतीय सब्जी के रोक लगाने के बाद बॉर्डर पर सब्जी से भरे ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। 4 दिनों से सब्जियों के भरे ट्रक खड़े हैं, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीमपुर खीरी से शारिक खान की रिपोर्ट।